पाक को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुंह की खानी पड़ी। भारत को बदनाम करने की कोशिश में वह एक बार फिर नाकाम रहा है। पाक ने चीन के साथ मिलकर साजिश रची तथा कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मौजूदा अध्यक्ष पोलैंड से बंद कमरों में बैठक बुलाने का आह्वान किया। ऐसा पहली बार हो रहा था कि संयुक्त राष्ट्र को किसी मुद्दे पर बंद दरवाजे के पीछे बैठक करनी पड़ रही थी, लेकिन पाक को यहाँ भी मात मिली। दरअसल शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बंद कमरों में अनौपचारिक बैठक हुई। बैठक में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने और इससे जुड़े अन्य मसलों पर सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों और 10 अस्थायी सदस्यों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सूत्रों के मुताबिक स्थायी सदस्यों में से चीन को छोड़कर सभी देशों ने भारत का साथ दिया और 10 स्थायी देशों में से 8 द्वारा भी भारत का समर्थन करने का अनुमान है। इस बैठक में यह तय हुआ कि कश्मीर मुद्दे पर यूएन में कोई औपचारिक चर्चा नहीं की जाएगी। इसके साथ ही यूएनएससी ने कोई आधिकारिक बयान भी नहीं दिया। बता दें कि सुरक्षा परिषद की अनौपचारिक बैठक में किसी विषय पर सामान्य चर्चा होती है और इनमें सदस्य देश विचार रखने से ज़्यादा ताज़ा जमीनी हालात के बारे में जानकारी लेते हैं। इनमें ना कोई संकल्प लिया जाता और ना ही मतदान होता है। यह भारत के लिए फिर से कूटनीतिक जीत है, क्योंकि पाक को इस मुद्दे को औपचारिक बनाने के लिए कम से कम 9 देशों का समर्थन जरूरी था और वह इसमें असफल रहा। बैठक से ठीक पहले पाक को 2 करारे झटके भी लगे। पहला तो यह, यूएनएससी ने बैठक में पाक को शामिल करने की मांग को ठुकरा दिया। पाक न तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, ना ही अस्थायी। और दूसरा यह कि चीन के अलावा किसी और सदस्य देशों ने पाक का साथ नहीं दिया। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और रूस का कहना है कि यह मुद्दा यूएन का नहीं बल्कि द्विपक्षीय है और दोनों देशों को मिलकर सुलझाना चाहिए। बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे रूस के उप स्थायी प्रतिनिधि दिमित्री पोलियांस्की ने यह स्पष्ट किया कि जम्मू कश्मीर भारत और पाक का द्विपक्षीय मसला है। बैठक केवल इसलिए आयोजित हुई थी कि सदस्य यह समझ लें कि भारत में नया क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पर रूस की नीति बिल्कुल स्पष्ट है, यह मसला भारत और पाक को ही निपटाना होगा। रूस अपनी नीति में कोई बदलाव नहीं करने जा रहा है। बैठक के बाद चीन ने ऐसा बयान दिया ताकि पाक भी खुश हो जाए और भारत नाराज ना हो। बैठक के बाद संयुक्त राष्ट्र में चीन के प्रतिनिधि जांग जून ने भारत और पाक से अपने मतभेद शांतिपूर्वक सुलझाने और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाकर फायदा उठाने की सोच त्यागने की अपील की। इस पर पाक कुछ ज़्यादा ही खुश दिखा और अब वह यह प्रोपोगेंडा फैला रहा है कि यूएनएससी की बैठक में भारत की नहीं बल्कि पाक की जीत हुई है। हालांकि पाक को यह समझ लेना चाहिए कि उसे P5 देशों में से सिर्फ चीन का ही साथ मिला, जिसने दोनों देशों को एक तरफा कार्रवाई से बचने की अपील की। यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चीन पहले भी कई मौक़ों पर पाक का साथ देता आया है। यह चीन की मजबूरी भी कहा जा सकता है, क्योंकि पाक में चीन करोड़ों रुपए का निवेश कर चुका है। दुनिया की तमाम महाशक्तियां कश्मीर को भारत का आंतरिक मामला बताते हुए दोनों पक्षों से इसे आपस में सुलझाने की सलाह दे रही हैं। पाक और चीन को यूएनएससी में करारी हार मिलने के बाद इन्हें भारत की कूटनीतिक शक्ति का एहसास तो हो ही गया होगा। पाक को भी यह समझ लेना चाहिए कि वह अपने अवैध कब्जे वाले कश्मीर के लोगों के अधिकारों का हनन करके और सैन्य शक्ति के दम पर गिलगित बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान में जारी आज़ादी के आंदोलनों को कुचलकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर बेबुनियादी आरोप नहीं लगा सकता। पूरी दुनिया इस बात को समझ चुकी है कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और भारत ने कश्मीर को लेकर जो भी कोई फैसला लिया है वह भारत के संविधान के तहत ही लिया गया है। लेकिन पाक को इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है, जिसके चलते वह आए दिन दुनिया में फजीहत करवाता फिर रहा है। और अब की बार तो पाक ने अपने साथ साथ चीन की भी नाक कटवाई है।